आज जी आएंगे। नमस्ते, सलाम बंदन, आजाद भारत की आवाज, और आप देख रहे हैं न्यूज न्यू इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों, इस वक्त हम जनपद बहराइच के जरवल रोड बस स्टॉप पर मौजूद है, जहां पर अभी लगभग एक हफ्ता पूर्व यहां पर अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, जिसमें लगभग 5 दुकानों का भारी नुकसान हुआ था। और इसकी जानकारी मिलने पर कैसरगंज 288 लोकप्रिय नेता है, हर दिल अजीज है, सभी के दुख और सुख में पहुँचते हैं। मसूद आलम मेरे बीच में मौजूद है, जो हलधरमऊ से पूर्व प्रमुख भी हैं। तो सर, आपने बहुत आज समझ लीजिए आप अग्निपीड़ितों के बीच पहुंचे हैं, आपने आर्थिक सहायता भी दिया है सर, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे दो दिन पहले ये मालूम हुआ कि यहाँ पर जो कुछ लोग दुकान कर रहे थे, कोई फल का, कोई ठंडे का, कोई होटल कर रहा था, कोई नाई का दुकान था, इन लोगों की दुकानों में किस कारणवश आग लग गई। मैं कल मौके पर देखा तो लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया था, चूँकि उनके जीवन की आजीविका यही थी, उसी से उनके परिवार लोग परेशान थे। तो हमने कहा कि नहीं, हम मदद करेंगे। आज हम आए हैं और हमने 5,000 रुपये पांचों लोगों को अपने तरफ से सहयोग राशि दी है। और मैंने कोतवाल साहब से कहा है जरवल रोड के कि भाई इसकी जांच कराइए, जिन दोषियों ने ये घृणित काम किया है, इन गरीब लोगों के ये जो इनकी आजीविका चला रहे थे, उनके दुकानों में, उनके ढाबलियों में आग लगाई है, उसकी जाँच करें, उन्हें दंडित भी किया जाए। और इनको सहयोग के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज तो मैंने 5,000 दिया है, सरकार बनने पर सभी इन पांचों दुकानदारों को 25,000 रुपये की राशि और दी है। जी, एक चीज़ और कहेंगे सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में सभी लोगों के घर पहुंच रहे हैं और लाखों लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? देखिए, मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, देखिए ये समाजवादी सोच है जी। आप अभी पूछेगा, ये समाजवादी सोच है, गरीबों की मदद करना, कमजोरों की मदद करना, पीड़ितों की मदद करना, यह समाजवादी की सोच है। उसी सोच के तहत मैं कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आज जाइए, आज पूरी जनता तरह तरह कर रही सरकार से पीड़ित है, आप उनके साथ खड़े होइए, उनकी मदद कीजिए और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन मांगिए। हर समाज, हर वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी सरकार से पीड़ित है और उसकी पूरी संभावनाएं जो प्रदेश में दिख रही हैं, माननीय अखिलेश यादव की रैलियों में जो लाखों लाख की भीड़ दिख रही है, अब ये तय हो चुका है कि इस प्रदेश में परिवर्तन तय है और 2022 में उत्तर प्रदेश की गिरती पर माननीय अखिलेश यादव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा 5,000 का मतलब सहयोग किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद, इनका बहुत बहुत शुक्रिया है इस बात का। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में एक और बताया, क्या नाम है आपका? परमेश्वर। तो परमेश्वर जी, आज मसूद आलम जी आपके बीच आए, उन्होंने 5,000 का सहयोग दिया है, तो क्या कहेंगे दुआ के तौर पर? बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सुल्तान भाई की, मतलब ये है कि फिर 5,000 मुझे मिले हैं, 5 जन को धन्यवाद। और ये अग्निपीड़ित है, और जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया है कि इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, गांव गली कूचों में पहुंच करके जनता से जो हो सकता है उनकी समस्या भी सुनते हैं और जो इनके स्तर का हो सकता है वो मदद भी करते हैं। न्यूज न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा। तस्वीरों में इस वक्त हम आपको लाए हैं जनपद बहराइच के कैसरगंज 288। आप देख रहे हैं जरवल रोड बस स्टॉप पर पहुंच चुके हैं हलधरमऊ से पूर्व प्रमुख व 288 विधानसभा कैसरगंज से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मसूद आलम खां की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। इस वक्त वो अग्निपीड़ितों के बीच मौजूद हैं और एक एक अग्निपीड़ितों से हाल चाल ले रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक सप्ताह पूर्व जरवल रोड बस स्टॉप पर अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें 5 जो छोटे मजदूर दुकानदार हैं उनका भारी नुकसान हुआ था। जानकारी मिलने पर आप देख रहे हैं इस वक्त बड़ी सी होल्डिंग देख रहे हैं मसूद आलम खां की, जो इस चौराहे पर लगी हुई है। दोस्तों, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और यहां पर मसूद आलम खां जब पहुंचे तो उनके साथ आप देख रहे हैं सैयद सैफ, मसूद खान व इरफान अंसारी, राजा बाबू, मोहम्मद ईसू, ये सभी लोग मौजूद हैं। अब इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो जो अग्निपीड़ितों का दुकान जल गया, सीधे उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सीधे अग्निपीड़ितों से। आज हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे हलधरमऊ से पूर्व प्रमुख व कैसरगंज 288 से संभावित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मसूद आलम खां यहां पर अग्निपीड़ितों के बीच मौजूद है और उन्होंने प्रत्येक
5 अग्निपीड़ितों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। दोस्तों तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं वो अग्निपीड़ितों के बीच मौजूद हैं और 5,000 रुपए वो प्रत्येक अग्निपीड़ितों को दे रहे हैं। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जरवलोड बस स्टॉप के साथ देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बाबा भी मौजूद है जो काफी परेशान थे। हल्दर मऊ से पूर्व प्रमुख ने भी बाबा का भी आर्थिक सहयोग किया और ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हैं जर्वल रोड बस स्टॉप से। सभी देख रहे सोशल मीडिया के साथियों से मैं निवेदन करता हूं इस वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। और इस वक्त अग्निपीड़ितों के साथ है।